अर्चन के साथ इस लोकार्पण और शिलान्यास चौंसठ राशि लाख 80,000 रुपए के जीत कार्यों का शिलान्यास आज यहाँ संपन्न हो रहा है। 24 कार्यों का शिलान्यास संपन्न हो रहा है। इसी कड़ी में स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अध्यक्ष कोटा मोहनलाल जी श्रीवास राम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत भाषण के लिए हमारे ही चाहे उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अंजना मुलकरवार को मैं बहुत ही सम्मान के साथ इस अवसर पर आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन के लिए श्रीमती अंजना मुलकरवार की। पंच भाइयों और बहनों, उनकी पंचायत के सभी पदाधिकारी और विभिन्न ग्राम भारत माता की कौशिक जी विधानसभा अध्यक्ष जी माननीय अमर अग्रवाल जी मुख्यमंत्री माननीय गांधी जी और जनजाति आयोग के अध्यक्ष जी सचिव आप सबल में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। अब माननीय मुख्यमंत्री के आदेश में सब मंत्री विधायक विधानसभा अध्यक्ष जी हमें सब उपस्थित दे रहे हैं अपन अतिथि के रूप में, इन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। अब विकास यात्रा निकाले के अत्य गर्मी में जरूरत का है,
आप सब लोग मालूम है पर बताना भी जरूरी है, पूरा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार डॉक्टर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन के द्वारा दूसरा कार्यकाल में कितना योजना पास हुई, कहां का योजना में सरकार ध्यान दे रहे, सबके प्रति का रवैया है, आम नागरिक के प्रति रुझान का है, और कतेक उधर काम होते, विकास कतेक हो, इसके जनता के माध्यम से बैठ के उनके बीच में जाके जानना, समस्या में सुलझाना, समस्या के निदान के बारे में जानना और विकास के बारे में बताना, ये सरकार के मुख्य उद्देश्य है। अब उन्हें साइकिल मिली तो साइकिल थोड़े खराब है, वो पंचर थोड़े होते हैं, बेकार साइकिल थोड़े शासन के द्वारा जब देने वाला तारा द्वारा गई, ये आके बताई चल नहीं बताई मिला थे, अब बोला सारा मिलित करे मिलिस और हमारा शिकायत नहीं करी लेने गए, तब सरकार की योजना सफल है। ये कहूं बता दो, पटवारी तहसीलदार है एजीएम बोला के नाम से जुड़े, बाकी बहुत ढंग के जगह नाम नहीं जुड़े, वो आवेदन 30 तारीख तक मंगा दे रही, 10 लाख भाई बहन मन के खाओ, पुलिस के डर में हमारे ले जाए जिसके अंदर हम फंस गए, कई घर लगे से डर हो, दोबारा गांव में आग लग के भगवान न चाहे पर समय में कम है, प्रकृति के लिए आग लग के अधिकतर पानी गिर गए, कोई प्रकार के विषम परिस्थिति आ गए, गांव में गाज मार दी, कोई लगैया नहीं है, यहाँ तक के हमारे बहु बेटी मन जचकी हो गई है, अब जचकी हमारे घर गाड़ी नहीं है, अब गाड़ी अगर मिला से हमारा नंबर बटन दबाओ, आधा घंटा मरीज की अंगना में गाड़ी पाओ, मरीज को बैठाओ, अस्पताल तक ले जाओ, मुफ्त में इलाज कराओ, 108 नंबर बटन दबाओ, जीवन को सफल बनाओ, ये सरकार की नीति है। 40,000 रुपए के अनुदान सरकार ने पूर्ण होगा, किसान तुम्हारा 40,000 के मिला थे फोकट में अनुदान, तुम्हारा दे रहे ध्यान और मोहले पढ़ावा थे तुम्हारा ज्ञान, सुन लो नहीं का होशियार। हम सब जानते हैं कि हमारा राज्य बहुत गरीब राज्य है, आधारभूत सुविधाओं में पिछड़ा हुआ राज्य, और ये जब छत्तीसगढ़ राज्य बना इसकी गरीबी का हाल ये था कि छत्तीसगढ़ के 5 लाख भाई और बहनें अपनी पेट की आग बुझाने के लिए इस छत्तीसगढ़ के बाहर जाते थे, और आधारभूत संरचनाएं गांव में कुछ नहीं। इस विपरीत परिस्थिति में 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम सब ने तय किया कि हम छत्तीसगढ़ के माथे पर ये जो गरीबी लिखा हुआ है इसको हम दूर करेंगे, और गरीबी के दूर के साथ साथ छत्तीसगढ़ के जो गांव है उसका हम विकास करेंगे। किसान कर्ज नहीं पटा पाने के कारण अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है, और कर्जा में पैदा होता है, कर्जा में पलता है, और कर्जा में मर जाता है, और भावी पीढ़ी को कर्जा दे जाता है। इस देश की पहली सरकार थी जिसने किसानों का कर्जा माफ किया था और किसानों को कर्ज मुक्त किया था। याद करिए आप बोली, याद करिए उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 16% ब्याज देता था किसान, आज 1% नहीं रहा। 35,000 पंप कनेक्शन हमारे छत्तीसगढ़ में थे, आज 2.5 लाख किसानों के पास पंप है। 7,000 यूनिट तक किसानों को निशुल्क बिजली, 24 घंटे बिजली, एक नीति के साथ कि हमको धान का रकबा बढ़ाना है। इसके साथ ही जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो छत्तीसगढ़ की सिंचित भूमि थी 20%, और आज है 36%, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो खेत हैं वो 3 फसल लें, और जिस दिन हमारे छत्तीसगढ़ के खेत 3 फसल लेंगे हमारे गांव की खुशहाली को कोई नहीं रोक। मंत्री खाद्यान्न योजना में चावल दिया जाएगा, अब छत्तीसगढ़ के 42 लाख परिवार को 2 रुपए किलो चावल दिया जाएगा, और अब तो हमने एक कानून बना दिया, अब इस 2 रुपए किलो चावल की योजना को कोई समाप्त नहीं कर सकता,
छत्तीसगढ़ के नागरिकों का अधिकार है। हमने विधानसभा में कानून बना दिया, देश की ये पहली सरकार जिसने खाद्यान्न कानून को बनाया, पहली सरकार। संजीवनी 108, कौन है इस प्रदेश में जो 108 को नहीं जानता? आज किसी के घर में कोई बीमार होता है, सड़क में एक्सीडेंट होता है, आगजनी होती है, सबसे पहले याद आता है वो नंबर है 108, क्योंकि उसके मन में विश्वास है कि मैं 108 डायल करूंगा तो वो चलता फिरता अस्पताल मेरे पास आ जाएगा और मेरे परिजन को उठा के ले जाएगा और उसकी रक्षा करेगा और उसको सकुशल घर वापस ले आएगा। ये लोगों का विश्वास है और इस विश्वास का कारण है 1 लाख व्यक्तियों की जान बचाने का काम अगर किसी ने किया है 1 साल के अंदर तो संजीवनी 108 ने किया है। अगर ये संजीवनी 108 नहीं होती तो आज 1 लाख भाई और बहने छत्तीसगढ़ के काल में समा जाते। महसूस करिए, 9.5 साल एक तरफ ले लीजिए, बाकी इससे पहले जिनने राज किया उनको एक तरफ ले लीजिए, तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के भविष्य का निर्माण अगर कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। क्या आपको समझ में आज के हमारे मुख्य अध्यापक माननीय धर्मलाल जी कौशिक को बहुत ही सम्मान के साथ इस अवसर पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। 1 लाख रुपए का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर अभी संपन्न हुआ है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। क्या हम 9 साल पहले किस स्थिति पर थे और आज किस स्थिति पर हम खड़े हुए हैं, ये विकास की गाथा इस यात्रा के माध्यम से हमारे मंत्री आपके समक्ष में रख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने इस प्रदेश में सरकार बनाई है और सरकार बनाने के बाद में सरकार में जो बैठते हैं, जो काम करते हैं, जिस प्रकार से विधानसभा में बैठ करके जो वहां पर जो विधायक प्रतिपक्ष में है वो प्रश्न पूछते हैं और कुछ प्रश्न पूछ करके मंत्रियों से जवाब चाहते हैं, यदि ये प्रजातंत्र है तो प्रजातंत्र में जो लोग हैं, जो विधायक बनाते हैं, जो सरकार बनाते हैं, साहस है तो उनके बीच में जाना चाहिए और लोग वहां पर लोगों के बीच में बैठ करके आपने क्या किया है उन योजनाओं को बताना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने वो साहस किया है कि जनता के बीच में जाकर के अपनी बातों को आप बता रहे हैं। विकास यात्रा वही निकालते हैं जो कुछ कर सकते हैं, जिन्होंने कुछ किया है, और जो कुछ किए नहीं है तो कौन सी यात्रा आप निकालते हैं आपको सबको मालूम है। आज ये 6.72 करोड़ को हम गिनाने नहीं आए, अमूल परिवर्तन जो दिख रहा है पूरे प्रदेश में, उस परिवर्तन के बारे में जो हमारे मंत्रीगणों ने कहा है कि उसमें केवल विकास का काम सड़क नाली सीसी भवन बिल्डिंग या एनेकट या हमारे बांध इतने तक नहीं है, विकास का मापदंड का मतलब है कि हमारे जीवन में तब्दीली आनी चाहिए, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, आर्थिक क्षेत्र में हम प्रगति को प्राप्त करें, शैक्षणिक क्षेत्र में जो पहले शिक्षा की व्यवस्था थी हम उसको दुरुस्त करें और आगे बढ़े,